C'est de Charib. Da şeran ne ki? Barabari şuru. Buraya orada geç. Maşallah. Ne o da ne zaman izliyor bunu şimdi ya? Uku peki? Ha? Malalti var sujalti bakıyor bir bakıp maşirana. मरगुजार के हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, मरगुजार वाइट पैलेस। तो इस बर्बारी को देखने के लिए सैयाहों की आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हुआ है। आप यहाँ पर इस हम वाइट पैलेस पहुंच गए हैं। तो गाड़ियां आप देख सकते हैं कि हर चीज़ ने सफेद चादर उड़ ली है और मरगुजार वाइट पैलेस आपको बर्फबारी में दिखाते हैं। साथ रहे। ये हम यहां पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है बहुत ही ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं मरगुजार वाइट पैलेस में मौजूद हूँ। बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है तो मैंने सोचा कि आपको वाइट पैलेस बर्फ़बारी में दिखाया जाए। तो साथ रहे, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वाइट पैलेस तो वैसे भी वाइट पैलेस है लेकिन इस बर्फ़बारी के बाद वो मज़ीद सफ़ेद हो गया है। तो साथ रहें। यहाँ हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप लोग आए और क्या कहेंगे? लाहौर से आए हैं, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा जबरदस्त मौसम मिला है हमें, हमारे आने का मकसद पूरा हो गया है। पूरा हो गया है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे सयाहों को? सयाहों को यही देंगे कि मैं आने से पहले कुछ हमारे जहन में भी चल रहा था कि शायद पता नहीं रास्ते किस तरह से हों और हालात किस तरह से हों, लेकिन बड़ी ही रास्ते भी बहुत अच्छे थे, कोई हमें मुश्किल नहीं रास्ते में आई और सब कुछ बड़ा बेहतरीन था, सारे आना चाहें। ठीक है। अच्छा आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे खासकर सयाहों को? सब सयाहों को एक ही पैगाम है कि सब लोग इधर आएं और इंजॉय करें, मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है और कोई रास्ते बंद नहीं है, सब लोग आएं और इंजॉय करें। अच्छा खासकर ख्वातीन के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के साथ आना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ आएं, हम लोग भी फैमिली के साथ ही हैं और फैमिली बच्चों को बस ये है कि जरा कवर करके लाएं, बाकी सब ओके है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स और दीगर चीजें हैं यहाँ पर, बर्फबारी भी है, आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो वाइट पैलेस में आप अगर आते हैं तो आपको तमाम चीज़ें जो है ना वो मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको दिखाया जाए कि क्या सूरत हाल है। बर्फबारी हो रही है। वाइट पैलेस, वाइट पैलेस ने भी सफेद चादर उड़ ली है और यहाँ पर मौसम इंतहाई बेहतरीन है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें बर्फबारी हो रही है लेकिन बर्फबारी इस तरह है कि बस बेहतरीन बर्फबारी है। तो चूँकि ये मिंगवारा से सिर्फ 14 किलोमीटर के फासिले पर है और आप आसानी के साथ यहाँ पहुँच सकते हैं, तो साथ ही रहे। यहाँ पर कुछ सयाह हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहूँगा
कि वो कहाँ से आए और उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आप आए हैं और कैसा लगा आपको बर्फबारी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सैयाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। आना चाहिए, ठीक ठीक ठीक। ये अगर आप देखें तो सैया एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं और बर्फ के गोलों से एक दूसरे को जो है निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्हाइट पैलेस में। ठीक है ठीक है। कि आपको सर्दी नहीं लग रही है? नहीं, बड़ा अच्छा मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं कि व्हाइट पैलेस सफेद महल में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। तो नज़ारे इंतहाई शानदार है और बेहतरीन मौसम है। तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस वक्त आप पत्तों पर और ये जो दरख्त है, ये फ्रूट है कोई, तो इसने भी मतलब बर्फ़ पड़ रही है और हर चीज़ ने सफ़ेद चादर उड़ ली है। तो अगर आपने आना है तो इन दिनों में आप बर्फबारी को इंजॉय कर सकते हैं। आइंदा महकमे मौसमियात ने यही इत्तला दी है कि आइंदा दो दिन तक ये जो स्वात के शहरी इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी, जबकि बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। तो ये सूरत हाल है, अगर आपने आना है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ व्हाइट पैलेस का जो सहन है वो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ यहाँ पर बर्फबारी अभी भी हो रही है और मौसम सर्द हो गया है, लेकिन सर्द से बचाव के लिए आपके पास अगर गर्म जैकेट, गर्म कपड़े और ख़ास कर शूज़ हो तो फिर कोई इशू नहीं है कि आप को सर्दी लगे, आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पर कुछ सयाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, इनको सर्दी लग रही है या नहीं लग रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ से आप आए, नाम क्या है आपका और कैसा लग रहा है सर्द मौसम? अच्छा, इकबाल है मेरा नाम, ये अहमद है, खतीजा है। अच्छा, और हम आए हैं लाहौर से। ठीक है, तो नीचे हम ठहरे में सवाद सिटी में जो है फिजागढ़ में। ठीक है, और यहाँ आए थे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बर्फबारी शुरू हो जाएगी। ये आपके लिए तोहफा है। सही सही। हाँ जी बिल्कुल होती है, लेकिन साल में एक दफा दो दफा, तो वो आपने आप लोगों ने वो मौका कैश किया। बहुत मजा आ रहा है और बहुत ही अच्छा, देखते देखते सब चीज व्हाइट हो गई है। ठीक है, व्हाइट पैलेस है और व्हाइट भी हो गई जमीन भी व्हाइट। बेटा आपका नाम क्या है? तीजा। अच्छा, तो कैसा लगा आपको, सर्दी लग रही है? नहीं लग रही है, गुड, थैंक यू सो मच सर।
तो बर्फबारी देखने के लिए काफ़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं और वो बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी में यहाँ आना बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप देखें तो फोटोग्राफी हो रही है। ना तक वाज कार कोमा तांजे बने रोटी तो धरती भी नहीं याद। इंजॉय करना चाहिए इस तूफान को, मरी से भी ज्यादा जबरदस्त मौसम यहाँ का है। सर यू फ्रॉम? I'm from Taiwan. Taiwan. Your good name, sir? Jackson. Okay. What do you think about this valley? This valley is a very special site. It has many old history here. We can investigate many multiple culture from ancient to now. Thank you so much, sir. Mujhe card likhna hai. Kal ko yaar gaya ka, maine dikhi mat rahe.